हां दे 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 सर सर
दीपक मैथी जी उसके सामने कुछ लगाओ ना कटर की और आगे लगाओ उसके सामने फिल्म आ रहा है अभी ऐसे ऊपर के ऊपर इधर लेके आप पीछे ओए ऊपर के ऊपर पीछे लेके आप ये चाहिए पूरा ऊपर ले पीछे ले ओले अरे मैथी जी ये मोमेंट चाहिए फरमा को लगा वहां पे लो जा बताओ लाइट के सामने फरमा को लगा दो ना अरे यही लो जा ना पहले भाई लो 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 बस वहां पे पहले लो आ यार हां जी उससे नहीं होगा मैथी जी फरमा को लगा फरमा को लो लो बस बस बाबूजी बाबूजी हल्का सा अपने लेफ्ट जाइए लेफ्ट लेफ्ट हल्का सा लेफ्ट जाइए बाबूजी और लेफ्ट कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा चल ना चुप मत हटो यार रोल 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 कर थोड़ा नीचे थोड़ा लो थोड़ा लो थोड़ा लो थोड़ा लो थोड़ा लो बस बस नहीं 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 और नीचे कर और नीचे कर पूछिए सवाल हाँ तो हम सबसे
सबसे पहले जानना चाहते हैं आपकी ये सीन के बारे में जो कि बहुत ही रोमांटिक गाने वगैरह चल रहे थे। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, क्योंकि हमारे लिए तो पहली बार आप आए हैं। इस सीन के बारे में ये कहना है कि हमारे बनारस सिंगिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिसमें चिड़ियाघर मोहल्ले से हाँ जी, चिड़ियाघर सीरियल में अभी ट्रैक चल रहा है जहाँ सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, तो ये बनारस सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें हर मोहल्ले से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले से भी कोई पार्टिसिपेट करे इसके लिए ना क्रिकेट मौसी को बड़ी टेंशन होती है। वो बाबूजी के यहाँ जाती है तो देखती क्या है कि बाबूजी मुकेश के गाने पे इंजॉय कर रहे होते हैं कि कौन सा गाना है मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ग्रिड मौसी को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी बाबूजी के साथ मिलकर जोड़ी बनाऊं और पार्टिसिपेट करूं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस जो कंपटीशन की शर्त है वो ये है कि पार्टिसिपेंट की जो कंटेस्टेंट की जो फिर से ले लूं हाँ, चलेगा। जो कंटेस्टेंट है उसकी उम्र जो है 21 साल से कम और 41 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। मैं दिल टूट के घर आ जाती हूँ, बाद में पता चलता है कि भूल गई मैं क्या बोलना था। कह रहा है कि सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, यह है बनारस सिंगिंग कंपटीशन जिसमें हर मोहल्ले से लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो क्रिकेट मौसी को टेंशन होती है, मोहल्ले की टेंशन वो हमेशा लेती है ना कि हमारे यहाँ से कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो बाबूजी के ऐसे ही वो हलवा बना के ले जाती है, तो देखती क्या है कि बाबूजी मुकेश के गाने भी इंजॉय कर रहे होते हैं, साथ में ये भी शुरू हो जाती है कि गाना गाने के लिए बीच बीच में इसे आइडिया आता है कि क्यों ना बाबूजी आप और मैं जोड़ी बनाएं और इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लें। तो बाबूजी घबरा जाते हैं, पूरे अपने घर को बुला लेते हैं कि देखो देखो ग्रीड मौसी आई है, इसे रफा दफा करो ऐसा ऐसा। तो मैं बताती हूँ बाबूजी को, बाबूजी अगर मोहल्ले की लता मंगेशकर मैं हूँ तो आप मुकेश हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस कॉम्पिटिशन में जो है हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शर्त है कि जो कंटेस्टेंट है उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और 41 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा ही है, मैं कुछ गलत शायद गलत बोल रही हूँ। तो हम ऐसे मेरा दिल टूट जाता है, मैं घर वापस आ जाती हूँ, तो पता चलता है कि कोयल और ये जो है उसका हस्बैंड घोटक वो पार्टिसिपेट वो नहीं कोयल ने अपने हस्बैंड को बोला है घोटक को फॉर्म लाने के लिए कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, और वो जो है पप्पी के साथ जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हो जाता थोड़ा टाइम के लिए कि हाँ चलो यार अपने मोहल्ले से कोई तो पार्टिसिपेट कर रहा है। बाद में जब ये लोग कर रहे होते हैं ना यहाँ पे नाच गाना वगैरह, तो मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ कि काश बाबूजी ने अगर हाँ कह दी होती तो रंग दे तू मोहे गेहुआ मैं और बाबूजी कर रहे होते। तो मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ और देख रही होती हूँ ये कपड़े पहन के कि आह बाबूजी मेरे साथ हैं और मैं ये गाना इंजॉय कर रही हूँ। ये है इस गाने के पीछे की स्टोरी, आप देखिएगा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बोलने थोड़ा सा वो अच्छे से नहीं मैं बोल पाई मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी। तो क्या आपने रियल लाइफ में भी ऐसा कभी सोचा है या डांस किया है? रियल लाइफ में मैंने बहुत गाने गाए अपने मोहल्ले की, मैं सच में कहना नहीं चाहिए लता मंगेशकर रही हूँ, बाद में मुझे अस्थमा हो गया तो मैं नहीं गा पाई, छूट गया। और सिंगिंग डांसिंग कॉम्पिटिशन में भी बहुत पार्टिसिपेट किया, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है प्रयाग संगीत समिति से 4 साल कथक, और बहुत इंटरेस्ट है मुझे। कभी ऐसा सीक्वेंस आता है तो याद आ जाते हैं वो दिन कि हाँ हम दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे 4-4 घंटे, मैडम हमारे पैर जब तक ना दुख जाए तब तक डांस कराया करती थी हमसे, नीलिमा जी हमारी नीलिमा बोस टीचर हुआ करती थी। अच्छा, जैसे कि देखा जाए बॉलीवुड के सबसे सुपर डुपर स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी वाइफ जया बच्चन और विवेक ओबराय और बहुत सारे सेलिब्रेट हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं फिल्म सिटी रिलायंस स्टूडियो में, वो लोग मेरा भारत स्वच्छ भारत, अच्छा कोई गंदगी ना करे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है कि स्वच्छता जो है वो हमें भगवान के मतलब नज़दीक लेके जाती है, सच्चाई की तरफ लेके जाती है, और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ जीत होती है। तो यही मान के चलिए कि जहाँ सच्चाई है जहाँ साफ़ सफाई है वहाँ उसका वास है, और जहाँ उसका वास है वहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। प्लीज़ अपने आसपास अपने दिलों को भी साफ रखिए आसपास की जगह के साथ साथ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और ये बहुत ज़रूरी है आज। अच्छा, तो आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे, ये जो नया सीन आप लेके खड़ा कर रहे हैं नए मोड़ पे तो मेरे ऑडियंस मेरे दर्शक बहुत सुधी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझे पता है, और मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हैं आप वैसे बने रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें खुश रहें, और मैं पूरी जी जान से कोशिश करूँ कि आपको अच्छा मनोरंजन दे सकूँ, आपके दिलों में जगह बना सकूँ। प्लीज़ दिलों के दरवाजे मेरे लिए खुलिएगा, टीवी सेट तक तो पहुंचा ही रहे हैं गर्मा प्रोडक्शन आपके पास, बधाई देने आई है। सर, 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 सर,